हेलो दोस्तों, आरजी केल में आपका स्वागत है। अभी मेरे पास, जैसे आप देख पा रहे होंगे, सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन था है जो जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि पानी ओवर हो जा रहा था। और चाहे आप कुछ भी लेवल में रख दें, 1 2 3 4 5, चाहे कोई भी लेवल में रखें, पानी रुकता नहीं है, लगातार ये ड्रम से ओवरफ्लो करके ओवर हो जाके गिर जा रहा था और वॉश भी शुरू नहीं हो पा रहा था। जैसे सबको पता ही होगा, जब तक पानी का लेवल रुकेगा नहीं तब तक ये वॉश शुरू नहीं करता। ये लगभग सारा फुल ऑटोमेटिक मशीन में होता है, तो इसी को आज हम चेकिंग बताएंगे कि इसमें क्या सॉल्यूशन है और किस तरह से ये शॉर्ट आउट हुआ। तो इसमें अब जैसे आप देखे होंगे कि इसमें एक प्रेशर सेंसर होता है, ठीक है। तो जैसे अभी देख लेंगे, मशीन का ये मॉडल है, सैमसंग का है। तो इसमें प्रेशर सेंसर होता है जो पानी को लेवल को नापता है। जैसे आप जितना भी लेवल सेट करेंगे, 1 2 3 या 5 जो भी है, तो उसको सेट करता है, उसको प्रेशर सेंसर से उसको सेंस करके आगे मतलब बताता है कि जो लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है, जो लेवल सेट है, तो आगे का फिर वॉश होना शुरू हो जाता है। जैसे आप फोटो में देख पाएंगे कि ये प्रेशर सेंसर है, ठीक है, जैसे बाहर निकाला हुआ है, तो इसके मुंह में देख पाएंगे कि इसमें एक पाइप लगा हुआ था, जैसे इसमें खोला हुआ है अभी, तो यहाँ पे खोला हुआ है, तो इसी को पाइप में लगा रहता है जिसमें। और आपको ध्यान देना है कि इसमें किसी तरह से गैप नहीं होना चाहिए एयर निकलने का, क्योंकि ये प्रेशर पे ही काम करता है। और इसीलिए तो आपको यहाँ पे जो अगर ओवरफ्लो हो रहा है पानी, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करने का आवश्यकता है। अगर इसको चेंज करने से भी नहीं होता है तो प्रॉब्लम फिर वो पीसीबी का हो जाता है। आपको हो सकता है तो पीसीबी भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले पहले इसको आप चेंज करके देख लें, अगर एक प्रेशर सेंसर से नहीं हो रहा है तो आप दूसरा भी चेंज करके देख लें, क्योंकि पीसीबी काफ़ी कॉस्टली आता है। तो आप पहले श्योर हो लें कि जो हम लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो इसको आप चेक करने के लिए सिंपली इसमें मुंह से फूंक भी मारिएगा, तो आपको हल्का से फूंक मारने पे आपको हल्का कट कट का आवाज़ होगा, और उस तरह से आप चेक भी कर पाएंगे कि सही वर्किंग है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो फाइनली इसको हमने चेंज किया दोस्तों, तो चेंज करने के बाद इसका वर्किंग है जो नॉर्मली होने लगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, बिल्कुल भी जैसे जितना लेवल में रुकना चाहिए उतना लेवल में ये काम करने लगा, ये जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए, धन्यवाद।